अस्सलाम वालेकुम जी, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट वन। बीकॉम पार्ट वन का जो हम गेस्ट डिस्कस करेंगे जी, अकाउंटिंग का, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो चैप्टर्स करने हैं वो बता दूं। वेल्थ ऑफ एक्सचेंज करेंगे हम, बीआरएस कवर करेंगे, फाइनल अकाउंट कवर करेंगे, रेक्टिफिकेशन कवर करेंगे, उसके अलावा हम कवर करेंगे जी नॉन ट्रेडिंग, और लास्ट पे बात करेंगे सिंगल एंट्री, जिसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ना मैंने आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस शुरू की हैं इसकी, अकाउंटिंग की। क्लास का टाइम है जी 11, नहीं, इसका मैंने टाइम रखा है 5 PM, 5 बजे। तो टिल एग्जाम आपकी ये क्लासेस होंगी। इसकी एक ही शर्त है, ये क्लासेस जूम के थ्रू होंगी, और इसकी जो कंडीशन है, 5 लोगों का ग्रुप आप अगर लाएंगे तो हम आपको इस ग्रुप में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर 5 लोग आप हैं, चाहे आप किसी कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हैं, चाहे किसी एकेडमी में आप इकट्ठे पढ़ते हैं और हमें पढ़ना चाह रहे हैं, और 5 लोग हमें ज्वाइन करेंगे और वो क्लास भी लेंगे। अगर ये नहीं कि वो क्लास नहीं लेंगे, सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो नहीं। बेसिकली मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम और ये चीजें पहुंचे, तो उसके लिए जूम के थ्रू क्लासेज होंगी। ग्रुप का लिंक अगर किसी को चाहिए होगा तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा और अपने 5 लोगों को ऐड करवाएगा और वो क्लास लेंगे। अगर वो क्लास नहीं लेंगे, पूरे ग्रुप को हम उस मतलब सर्विसेज नहीं देंगे, क्योंकि फ्री सर्विसेज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। ठीक हो गया जी, तो सबसे पहले हम अपना गेस्ट डिस्कस करते हैं जी। मजेदार ठीक लगेगा। अच्छा जी, तो ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इसको फॉलो करें और मैक्सिमम लोगों को ग्रुप में। अच्छा यार, अब इसमें मैं आपको बताऊं, जो आपका पहला चैप्टर है ना, उसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, दो इंपॉर्टेंट हो गए, तो उनको आपने लिखते जाना है बराए मेहरबानी। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आपने लिख लेने हैं। अच्छा जी, इनके बाद हम आगे चल रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है, नहीं ये नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है मैं जी, बहुत ज्यादा। इसके बाद अकोमोडेशन में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, 23, ये मैं वैसे अगर आपको बताऊं ना तो ये सारे करने चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें भी चाह रहे हैं ना कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं अकोमोडेशन में से भी, तो आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 20th, 21st छोड़ देना है, 23 करना है, 24 और 25 करना है। ठीक हो गया, तो मैंने अब आपको ये बड़ा क्लियर बता दिया। अब हम चलते हैं जी अपने कैश बुक और बीआरएस की तरफ। तो कैश बुक के हवाले से ट्रिपल कॉलम कैश थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है उसके कुछ क्वेश्चन जो वो उठाता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। अच्छा, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है, और इनशाला नेक्स्ट सेशन में भी हम आपको भरपूर मदद करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहना है। और यार, इसका मकसद ये है कि आप लोगों की हेल्प हो। तो अब आपको ग्रुप मैंने बता दिया कि 5 लोगों से कम लोगों को हम ऐड नहीं करेंगे, 5 लोगों के ग्रुप में आपने हमारे साथ ऐड होना है। सिंपल उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और हम आपको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इस पे यार आपने व्हाट्सएप करना है। शायद नंबर आपको कॉल करेंगे तो कोई उठाएगा नहीं, तो फिर आपने परेशान नहीं होना, व्हाट्सएप करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों आपने करने हैं, 7 और 8।
बीआरएस में से, सॉरी कैश बुक में से। अब आ जाएं बीआरएस में। बीआरएस में आपने क्वेश्चन नंबर करना है जी, एक तो करना है 12, उसके बाद 13, दो करने हैं आपने, उसके बाद 16, 17, और उसके बाद आपने चले जाना है जी रिवाइज कैश बुक के क्वेश्चंस पे। तो 21, 22 और 20 ये आपने लाजमी करने हैं, 19, 20, 21 और 22, बस इससे आगे नहीं करना। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जी, जो कि हमारा है फाइनल अकाउंट। ठीक है जी, तो अभी हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट की तरफ हम चलते हैं। वैसे मैं फाइनल अकाउंट के आपको क्वेश्चन बता दूं, वो फर्स्ट 12 क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं उठाता उसने। जब भी उठाना है ना जाके, आपके क्वेश्चन जो उठाने हैं वो उसने उठाने हैं आगे से। ठीक हो गया, आगे से मुराद ये है कि उसने उठाने हैं क्वेश्चन आपके एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन उठाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, कौन से क्वेश्चन उठाएगा मैं आपको बताता हूँ। नहीं उठाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है, 13 इम्पॉर्टेंट है, 14 भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, 17 17 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 19 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 20th इम्पॉर्टेंट है, बस बहुत है, और 21st और 22nd तक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, 22nd तक कर लीजिए, ये जो मैंने बताया है इनको जरा नोट डाउन कर लेना आपने। नेक्स्ट जी हम चल रहे हैं अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की तरफ। तो देखें बात ये है, बल्कि रेक्टिफिकेशन की तरफ हम चल रहे हैं। रेक्टिफिकेशन में वो जो सवाल उठाता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट में बता देता हूँ, मसला ही हो नहीं। अब हम आगे चले गए, अच्छा ये वाला चैप्टर है, अगर आप इसको करना चाहें ना तो इस पेज को यार पढ़ लेना और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, तो एक ही क्वेश्चन काफी है। कैपिटल रेवेन्यू वाला अगर करना चाह रहा है अपने आप की सेफ साइड, वैसे पेपर में आता नहीं है ये, रेक्टिफिकेशन मिला नहीं है बाहर का पेपर, हम कंटेंट में से देख लेंगे तो फिर पता लग ही जाएगा। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं मामलात और। चलो आ गया यार। अच्छा रेक्टिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूँ, बड़े सादा सा काम है। रेक्टिफिकेशन में आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं जी 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये आपने 18 तक करने हैं, जैसे मैंने बोला है ना उसी तरह आपने कर लेने हैं। अब हम चल रहे हैं जी नॉन ट्रेडिंग की तरफ। तो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, नॉन ट्रेडिंग के वो पहले 5-6 क्वेश्चंस को नहीं छेड़ता, तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री के वो पहले 5-6 क्वेश्चंस को नहीं छेड़ता, वो उठाता है ना सिंगल एंट्री में से। ये 7 टाइप क्वेश्चन उठाएगा, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन है, बस उसके बाद आपने आगे जाने। 7, 8, 9 के बाद ये 14 क्वेश्चन और 15 ये उसके फेवरेट क्वेश्चन है, और 16 भी, 14, 15 और 16 ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो देखिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जो उसका प्राइमरी फोकस होता है ना, वो जाता है, वो आपके पहले वाले क्वेश्चंस कोई नहीं उठाता उठाता, वो इस तरह का क्वेश्चन उठाएगा, 5 भी नहीं उठाएगा। 4 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 6 इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 9 भी किसी हद तक, नहीं 9 नहीं है, 10 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बस 10, और आप 11 अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं करना। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी, दोस्तों से शेयर करें, और इंशाल्लाह स्टैट्स के गेस्ट के साथ मैं जरूर बहुत जल्दी आपके साथ हाजिर हूँगा। अगर आप चाह रहे हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना, 5 बंदों के ग्रुप को इस व्हाट्सएप पे आपने करना है, 5 लोगों को ज्वाइन करवाना है, सीरियस लोग होने चाहिए जिन्होंने प्रॉपर पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना उनको प्लीज आपने रेफर नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।